प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही के घटनाक्रम पर नजर डालें तो यूपी सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे ये दोनों नेता करप्शन के मुद्दे पर जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ आस्तीन चढ़ाए नजर आते हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में भी बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच तनातनी क्यों है? यूपी के सियासी गलियारों में वैसे तो योगी और मौर्य के बीच मनमुटाव की खबरें इनके सत्ता संभालने के बाद से ही आने लगी, लेकिन अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। आलम यह हो गया है कि चाहे योगी हो या मौर्य, दोनों एक दूसरे के अधीन आने वाले विभागों की गड़बड़ियों पर सक्रियता दिखाकर खुद को बीज साबित करने पर तुने नजर आते हैं। दरअसल सीएम योगी ने केशव मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पिछले दो सालों में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए। योगी को संदेह है कि विभाग में ठेकों और निर्माण कामों में जमकर धांधली हुई है, लेकिन संदेश ये गया कि योगी इसके जरिए केशव मौर्य पर गेल कसे रखना चाहते हैं। उधर योगी के इस आदेश से नाराज केशव मौर्य ने सीएम को उनके नेतृत्व वाले विभाग एलडीए में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में एक चिट्ठी लिख डाली। मौर्य ने अपनी चिट्ठी में एलडीए के अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए। खास बात यह है कि केशव मौर्य की ये गोपनीय चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई, जिससे सीएम के अधीन वाले एलडीए में करप्शन की बात, साथ ही इसे योगी के एक्शन का मौर्य की ओर से जवाब माना गया। केशव मौर्य की शिकायत पर सीएम योगी ने कार्रवाई तो की, लेकिन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर का नया चैप्टर इससे खुल गया। सूत्रों की माने तो केशव मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग पर नजर रखने के लिए कुछ खास अधिकारियों की तैनाती की गई है, साथ ही उन अधिकारियों को विभाग से हटाया गया है जिन पर मौर्य भरोसा करते थे। इससे पहले भी जब दोनों नेताओं के बीच की तलखी बढ़ने लगी तो केंद्रीय स्तर पर हस्तक्षेप कर मसले को सुलझा लिया गया। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक इस साल के जुलाई में योगी ने मौर्य के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग को अपने निशाने पर ले लिया। इसी के बाद मौर्य ने पलटवार किया, जिसके बाद ये बात सार्वजनिक होने लगी कि दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग अब भी जारी है। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।